अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। मैंने आपको बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है, वायरस क्या करता है, उससे अपनी मशीनरी से आरएनए से वो डीएनए बनाता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये दो तरह के होते हैं, इनके बारे में अभी बात कर लेता हूँ। दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव, ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कैन बी कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव है मतलब दे विल हैव ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द एंजाइम। और दूसरे जो होते हैं दोज आर नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक, नॉन कॉम्पिटिटिव, फाइन। अब कॉम्पिटिटिव में दो तरह के हो सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड। आपको याद होगा नाइट्रोजन बेस प्यूरीन या पिरिमिडीन, एडेनिन गुआनिन आर द प्यूरीन्स, एंड पिरिमिडीन्स में यू हैव थ्री, साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन, ठीक है। ये जब कंबाइन कर जाते हैं एक शुगर से, जैसे कि डीऑक्सीराइबोज या फिर राइबोज शुगर से, सो प्यूरीन या पिरिमिडीन प्लस अ शुगर, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर इज बेसिकली ए न्यूक्लियोसाइड। उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दो तरह के हो गए, एक तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और एक न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक हो गए आपके न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और दूसरे आपके हो गए न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। पहले न्यूक्लियोटाइड का एक नाम याद कर लेते हैं, टी से है तो इसका नाम हो गया टीनोफोविर, टीनोफोविर, ओके। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड, इसमें थोड़े ज़्यादा नंबर्स हैं तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले आप सब वुडीन वाले याद रख लो, ठीक है, अलग कलर की इंक से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में सहूलियत हो। वुडीन, जितने भी वुडीन हैं, दे कैन बी जेडो वुडीन, स्टाव्युडीन या फिर लैमिव्युडीन, ठीक। सो ये सारे आपके हो गए व्युडीन, जितने तीन व्युडीन, जेडोवुडीन, स्टाव्युडीन, लैमिव्युडीन। फिर उसके बाद आप लोग ये याद रख सकते हो सिटाबीन, ठीक, सिटाबीन। सिटाबीन में दो इंपॉर्टेंट हैं, इसमें एक है जाल सिटाबीन और दूसरा है एमट्री सिटाबीन, ठीक, जाल सिटाबीन और दूसरा है एमट्री सिटाबीन, ठीक। और दो नाम आपको ऐसे ही रटने पड़ेंगे, एक है अबाकाविर, बाकावर, और दूसरा नाम है डाइडेनोसिन, डाइडेनोसिन, ठीक। सो ऑल दीज आर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। अब इन दोनों के जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो आप बेसिकली ऐसे याद रखोगे कि बोथ ऑफ देम हैव अ सिमिलर साइड इफेक्ट प्रोफाइल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और दूसरा दे कैन कॉज पैनक्रियाटाइटिस, ठीक, एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा पैनक्रियाटाइटिस, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे वो किसी और साइट पे एंजाइम की बाइंड करेंगे, किसी एलोस्टेरिक साइट पे। सो इनको हम कह देते हैं NNRTI, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, दीज आर NNRTIs, ठीक। इनके बारे में बाद में बात करूंगा, आज आपने NRTIs के बारे में पढ़ लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगले एपिसोड में मिलता हूँ, बाय बाय।